मिलने शुरू होंगे महिलाओं को 1500 रुपये, प्रदेश सरकार ने तैयार कर दी है पॉलिसी। नमस्कार, आप जो चुके हर के हिमाचल न्यूज पर, मैं दिव्या हाजिर हूँ दिन भर के ताजा अपडेट के साथ। कांग्रेस सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित की गई। धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश के सभी विकास खंड कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया और नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इससे प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में से पास किया जाएगा। धनीराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने और उनकी जांच करने में करीब 45 दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि जून के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। बीपीएल परिवार में यदि कोई महिला और 2 बेटियां हैं तो ऐसे मामले चिन्हित किए जाएंगे। देखिए, हमारे वेदों में भी कहा है, यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते, यत्र नार्यस्य पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा, नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हमारे प्रदेश में भी, इस देवभूमि में, इसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी माँ, बहन, दादी, चाची, ताई, इन्होंने कितना हम लोगों के जीवन में फ़र्क डाला है, हम लोग सभी। तो मेरा मानना है कि ये एक नारी सम्मान योजना है। एक बहुत छोटा सा धन हमारी सरकार ने सोचा था कि इन महिलाओं को दिया जाए जिनको कुछ भी और सहायता नहीं है, जिनको किसी और किस्म की सहायता मिलने में दिक्कत हो रही। जैसे आप सब जानते, कोई आशा वर्कर है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, किसी को पेंशन मिल रही है, चाहे वो फौज की है, चाहे वो किसी की, जो हमारे बोलते ना, जैसे कोई वहाँ भी नारी के सम्मान के लिए हम लोगों ने एक वीरांगना करके वीर नारी योजना कई कुछ चलाया, हमारे हर रेजिमेंट की अलग अलग होती है। इसी प्रकार से और भी बहुत से हमारे कर्मचारी हैं जो हमारे सिविल से जाते हैं या जो आर्मी के जाते हैं, वो सब पेंशन भोगी हैं। तो जो पेंशन भोगी किसी भी प्रकार से, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी रूप में उनको मिलती है, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए हमने ये एक्सरसाइज की और आज की दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग से पहले अबाउट ए वीक 10 डेज बैक हुई थी और इसमें हमारे पूरे प्रदेश में हमारी 18 से 59 वर्ष की महिलाओं की कुल जनसंख्या 22,40,492 है। इसमें जिनके पास, हमने जो हमारे आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी आधार थे इसके लिख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने बड़ी सहायता की हमारी और सभी ऑफिसर साहबान मौजूद थे इसमें। तो इसमें कुल पात्र महिलाओं की जो संख्या बनती है जिनको मिलनी चाहिए ये राशि, वो बनती है एज ऑन टुडे 10,53,021। आई रिपीट, 10,53,021। और इस इन महिलाओं को वार्षिक वित्तीय भार, जो मैंने जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर, क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा 1,895 करोड़, मतलब 2000 से के बीच में रहेगा। तो ये हम लोगों ने आज का निर्णय हमारा जो हुआ है ये हुआ है और ये जाएगा कैबिनेट नोट के रूप में, यानी कैबिनेट में, और उसके बाद बजट प्रपोजल का हिस्सा बनेगी, ऐसी हमारी प्रस्तावना है। वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। देखिए, हम साथ ही साथ में ये हमारा सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे की जाए, क्योंकि हम देने की बात कर रहे हैं तभी होगी जब कुछ आपके पास होगा, किट्टी में कुछ होगा। अभी सबसे पहला क्षेत्र हमारा वो है पर्यावरण से संबंधित। आपने देखा होगा कल हमारे 18 या 19 गाड़ियों को हरी झंडी दी गई। पर्यावरण को सुरक्षा करने का मतलब एक और है कि हर किलोमीटर आप सिर्फ 10 नए पैसे
खर्च हो गए। मैं से दो आधे घंटे पहले सीएम साहब नहीं आ रहे तब तो मुझे समय मिला उसकी गाड़ी में बैठा उसकी ऑपरेशन समझे। और ये गाड़ी सचमुच में अमेरिका के कुछ हिस्सों में जहाँ जहाँ गई है मैंने उनका डेटा भी पढ़ा तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ड्रास्टिक चेंज होगी कि हर किलोमीटर सिर्फ आप 10 नए पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर ये धीरे धीरे हम इसको कर रहे हैं और आपने देखा होगा चरण भी तरीके से होगा तो जो 4 साल की बात उन्होंने कही वो ठीक कह रहे हैं। इट विल टेक अ सम टाइम, एकदम कोई भी व्यवस्था नहीं होती लेकिन हमारे पास व्यवस्था शुरू करने के एक तो यही जो आपके सामने हुआ ये हो जाएगा, हमारे काफ़ी भार इससे कम होगा। दूसरा हम क्या सोच रहे हैं कि जो पर्यटन है उसे हम एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर लाने का प्रयास करें। छोटे छोटे जगहों में ऐसे अच्छे क्षेत्र में दिखाने के लिए जगहें बने, अधोसंरचना में विस्तार हो, सुधार हो और कुछ एक जैसे हम एयर एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं ऐसे ही पर्यटन के लिए भी व्हीकल्स जा सकें, छोटी छोटी रोड बड़े से बड़े रास्ता बने और कुछ कुछ जगहों में एयर खासकर हेली टूरिज्म के लिए भी जगह बने। हमारा मानना है कि जिस प्रकार सा धार्मिक सांस्कृतिक ढांचा हमारे हिमाचल प्रदेश का है, मैंने स्वयं बहुत साल पहले ये चीज़ स्कॉटलैंड में देखी थी, उन लोगों ने सचमुच में धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा सहारा लिया है और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ, बहुत से युवक उनके बेरोज़गार थे। तो हमारा एक ये क्षेत्र भी बहुत हम सोच रहे हैं। इसके अलावा भी जो जल से संबंधित योजनाएँ हैं, जो हमारी कृषि से संबंधित योजनाएँ हैं, हम कृषि में सुधार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी प्रकार के फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे ताकि जो गुणवत्ता जो एप्रिशिएशन ऑफ कॉस्ट है वो जाए ऊपर को, वो तब जाएगी जब आप टमाटर की परी बनाएंगे, परी बनाने के बाद अपनी मटर है जैसे हमारे सोलन इलाके में मटर होती है इसको रिहाइड्रेट करके इंटरनेशनल स्तर पे बेचेंगे। तो ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं जिससे आय के साधन में